बीएड सेकंड सेमेस्टर एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कंपलसरी पेपर थर्ड यूनिट फोर के अंतर्गत चैप्टर है सृजनात्मकता क्रिएटिविटी। इस पर हमारी आपकी चर्चा होगी। पहले यह हम माना जाता था कि केवल लेखक, कवि, चित्रकार, साहित्यकार, संगीतकार आदि व्यक्ति ही सृजनात्मक होते हैं, किंतु अब यह माना जाने लगा कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति हो सकती है। वास्तव में संसार के समस्त प्राणियों में सृजनात्मकता पाई जाती है। किसी व्यक्ति में कम मात्रा में सृजनात्मकता होती है तथा किसी व्यक्ति में अधिक मात्रा में सृजनात्मकता होती है। मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए नवीन आविष्कार करने तथा समस्याओं का समाधान खोजने के कार्य में सृजनात्मकता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत सृजनात्मकता के प्रयास पर मनोवैज्ञानिकों व शिक्षा शास्त्रियों ने विशेष ध्यान दिया। वर्तमान समय में तीव्र गति से हो रहे वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक प्रगति व विकास तथा आधुनिकीकरण ने मानव जीवन को इतना जटिल तथा समस्याग्रस्त बना दिया है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। आज के समस्याग्रस्त जटिल समाज तथा प्रतियोगितापूर्ण संसार में सृजनात्मक व्यक्तियों की अत्यंत मांग है। आइए हम चर्चा करते हैं कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सृजनात्मकता को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया गया है। आइए कुछ परिभाषाओं पर चर्चा पहले करते हैं। डीहान तथा हैविंग हर्स्ट के अनुसार सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करें। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज के लिए नवीन हो सकती है अथवा उस व्यक्ति के लिए नवीन हो सकती है जिसने उसे प्रस्तुत किया है। इंग्लिश वर्जन, क्रिएटिविटी इज द क्वालिटी, क्रिएटिविटी इज द क्वालिटी व्हिच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड डिजायरेबल। द न्यू प्रोडक्ट मे बी न्यू टू सोसाइटी आर न्यू टू द इंडिविजुअल हु क्रिएट्स इट। मनोवैज्ञानिक क्रो और क्रो के शब्दों में, क्रो एवं क्रो के शब्दों में सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रो एवं क्रो के शब्दों में सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी इज ए मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स। मनोवैज्ञानिक कोल और ब्रूस के शब्दों में सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, कामा व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। इन इंग्लिश वर्जन, क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ मैंस माइंड टू ग्रेस्प, कामा एक्सप्रेस एंड एप्रिशिएट इन द फॉर्म ऑफ एन ओरिजिनल प्रोडक्ट।
इस प्रकार से इन परिभाषाओं को के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से, समस्या पर नए ढंग से सोचने तथा समाधान खोजने के प्रयास से सृजनात्मकता परिलक्षित होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने तथा विचार करने में समर्थ बनाती है। प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन करने तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। अब अगला पॉइंट है सृजनात्मकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। जो परिभाषा भी आपने देखा, उन परिभाषाओं को अगर हम अवलोकित करें तो उनसे हमें ये प्राप्त होता है कि सृजनात्मकता को संवेदनशीलता कामा जिज्ञासा कामा कल्पना कामा मौलिकता कामा खोज परकता कामा लचीलापन कामा प्रवाह कामा विस्तृतता कामा नवीनता आदि के संदर्भ में समझा जा सकता है। सृजनात्मकता के कुछ समानार्थी यह विभिन्न प्रत्यय वैज्ञानिक अनुसंधानों, कलाकृतियों, संगीत रचना, लेख व काव्य कला, चित्रकला, भवन निर्माण आदि सृजनात्मक कार्यों में अस्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। सृजनात्मकता के चार प्रमुख तत्व होते हैं। लिख लें इसको, सृजनात्मकता के चार प्रमुख तत्व होते हैं। नंबर एक प्रवाह, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फ्लुएंसी, FLUENCY, फ्लुएंसी। प्रवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों को प्रस्तुतिकरण से है। प्रवाह को चार भागों में बांटा गया। पहला है वैचारिक प्रवाह, दूसरा है अभिव्यक्ति प्रवाह, तीसरा है साहचर्य प्रवाह और चौथा है शब्द प्रवाह। वैचारिक प्रवाह में विचारों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे किसी कहानी के अनेकानेक शीर्षक बताना, किसी वस्तु के अनेकानेक उपयोग बताना, किसी वस्तु को सुधारने के अनेकानेक तरीके बताना आदि, इसको हम वैचारिक प्रवाह कहते हैं। अभिव्यक्ति प्रवाह में मानवीय अभिव्यक्तियों के स्वतंत्र प्रस्फुटन को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे दिए गए चार शब्दों से वाक्य बनाना, दिए गए अपूर्ण वाक्य को पूरा करना आदि, इसको हम अभिव्यक्त प्रवाह के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा, साहचर्य प्रवाह से तात्पर्य है कि दिए गए शब्दों या वस्तुओं में परस्पर साहचर्य स्थापित करना, जैसे किसी दिए गए शब्द के अधिकाधिक पर्यायवाची या विलोम संबंध लिखना। शब्द प्रवाह का संबंध शब्दों से होता है, जैसे दिए गए प्रत्ययों तथा उपसर्गों, जिसको अंग्रेजी में परफिक्स एंड सफिक्स कहा जाता है, तो दिए गए प्रत्ययों तथा उपसर्गों से शब्द बनाना। किसी व्यक्ति द्वारा किसी सृजनशील परीक्षण के किसी पद पर प्रवाह को प्रायः उस पद पर दिए गए प्रत्युत्तरों की संख्या से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको प्रवाह समझाने की कोशिश किया। यानी प्रवाह को चार भागों में बांटा गया, वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, साहचर्य प्रवाह और शब्द प्रवाह, और चारों प्रवाह को मैंने स्पष्ट रूप से आपको अभी बताया। दूसरा तत्व है सृजनात्मकता का, उसका नाम है विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी। विविधता से अभिप्राय
किसी समस्या पर दिए गए प्रत्युत्तरों या विकल्पों में विविधता के होने से है। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या उत्तर एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। विविधता की तीन विमाएं होती हैं। देर आर थ्री डायमेंशन ऑफ क्रिएटिविटी, देर आर थ्री डायमेंशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी विविधता की तीन विमाएं हैं। पहली, नंबर एक, आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता, आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता, ये पहला है। फिर से लिखें, नंबर एक, आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिगरल स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी, FIGURAL SPONTANEOUS फ्लेक्सिबिलिटी, FLEXIBILYTY, आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता इसको कहा जाता है। दूसरा है आकृति अनुकूलन विविधता, फिगरल एडाप्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा है शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधता, इसका नाम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिमेंटिक स्पॉन्टेनियस फ्लेक्सिबिलिटी। आकृति स्वतः स्फूर्त विविधता से तात्पर्य किसी वस्तु या आकृति में सुधार करने के उपायों की विविधता से है। आकृति अनुकूलन विविधता से अभिप्राय किसी वस्तु या आकृति के रूप में किसी दिए गए रूप में परिवर्तित करने की विधियों से है। शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधता में वस्तुएं या शब्दों के प्रयोग में विविधता को देखा जाता है। सृजनात्मकता के परीक्षणों के किसी पद पर विविधता को प्रायः उस पद पर व्यक्ति के द्वारा दिए गए प्रत्युत्तरों के प्रकार की संख्या से व्यक्त किया जाता है। परीक्षण पर किसी व्यक्ति के कुल विविधता प्राप्तांक को ज्ञात करने के लिए उसके द्वारा विभिन्न पदों पर प्राप्त विविधता अंकों को जोड़ दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों या उत्तरों का असामान्य अथवा अन्य व्यक्तियों के उत्तरों से भिन्न होने से है। इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा दिए गए विकल्प या उत्तर सामान्य या प्रचलित विकल्पों या उत्तरों से कितने भिन्न हैं। दूसरे शब्दों में मौलिकता मुख्य रूप से नवीनता से संबंधित होती है। वस्तुओं के नए उपयोग बताना, कहानी, कविता या लेख के शीर्षक लिखना, परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम बताना, नवीन प्रतीक खोजना आदि मौलिकता के उदाहरण हैं। चौथा पॉइंट है सृजनात्मकता के तत्व के अंतर्गत, उसका नाम है विस्तारण, अंग्रेजी में कहते हैं इलाबोरेशन, ELABORATION। विस्तारण से तात्पर्य दिए गए विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या, व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण से होता है। विस्तारण को दो भागों में बांटते हैं, नंबर एक शाब्दिक विस्तारण, नंबर दो आकृति विस्तारण। शाब्दिक विस्तारण में किसी दी गई संक्षिप्त घटना, क्रिया, कार्य, परिस्थिति आदि को विस्तृत करके प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जबकि आकृति विस्तारण में किसी दी गई रेखा या पूर्ण अपूर्ण चित्र में कुछ जोड़कर उसमें एक पूर्ण एवं सार्थक चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको सृजनात्मकता के तत्व को बताया। पहला तत्व है प्रवाह, दूसरा है विविधता, तीसरा है मौलिकता, चौथा है विस्तारण। प्रवाह में चार प्रकार के प्रवाह, नंबर एक वैचारिक प्रवाह, नंबर दो अभिव्यक्ति प्रवाह, नंबर तीन साहचर्य प्रवाह, नंबर चार शब्द प्रवाह। विविधता में तीन प्रकार की इसमें विमाएं होती हैं, नंबर एक आकृति स्वतः स्फूर्त
विविधता। नंबर दो, आकृति अनुकूलता विविधता। नंबर तीन, शाब्दिक स्वतः स्फूर्त विविधता मौलिकता। आगे चौथा पॉइंट है इसमें, इसको भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया। विस्तारण में, विस्तारण को दो भागों में बांटा जाता है, पहला शाब्दिक विस्तारण, दूसरा आकृति विस्तार। इस प्रकार से मैंने आपको इसे बताने की कोशिश किया। अब सृजनात्मकता के कुछ सिद्धांत हैं, इनको आप देखें। पहला सिद्धांत है उसका नाम है सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत, एंशियंट थ्योरी। इसके अनुसार सृजनात्मकता को ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार माना जाता है, गॉड गिफ्टेड, यानी गिफ्ट फ्रॉम गॉड। इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति ईश्वरी शक्ति का जितना ज्यादा कृपा पात्र होता है, वह उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। अध्यात्मवादी व्यक्ति प्रायः इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। दूसरा है उन्माद समकक्ष सृजनात्मकता सिद्धांत। इसके अनुसार सृजनात्मकता वस्तुतः मानसिक उन्माद अथवा मस्तिष्क के गलत व्यवस्थापन का एक लक्षण है। सृजनात्मकता तथा मानसिक उन्माद के प्रायः साथ साथ पाए जाने के कारण संभवतः इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, परंतु उन्माद अथवा उन्माद तथा सृजनात्मकता समानार्थ शब्द नहीं है। उन्मादी व्यक्ति अपनी अलग दुनिया में रहकर अपनी व्यक्तिगत रुचियों तथा स्वार्थों की पूर्ति करता है, जबकि सृजनात्मक व्यक्ति सृजनशील क्रियाकलापों के द्वारा जनहित के कार्य करता है। अगला सिद्धांत है सृजनात्मकता के जन्मजात सिद्धांत। इसके अनुसार सृजनात्मकता एक जन्मजात संज्ञानात्मक योग्यता अथवा मानसिक शक्ति है, जो व्यक्ति की प्रकृतिजन्य रूप से जन्म के समय प्राप्त होती है। इस विचारधारा के अनुसार सृजनात्मकता की योग्यता वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित की जाती है। इस योग्यता को कालांतर में सीखना या अर्जित करना संभव नहीं है। जेम्स वाट, आइजैक न्यूटन, महात्मा गांधी, आइंस्टीन, रामानुज, विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति जन्म के समय ही परिस्थितियों को समझने अथवा नई खोज करने की अतिरिक्त शक्तियों, सूझ विचार प्रक्रिया से युक्त थे। अगला है वातावरण जन्य सृजनात्मकता के सिद्धांत। इसके अनुसार सृजनात्मकता केवल ईश्वरीय उपहार अथवा जन्मजात योग्यता न होकर अन्य मानवीय योग्यताओं की भांति एक अर्जित तथा वातावरणीय जन्य योग्यता है। विमुक्त, ओपन, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, मोटिवेटिंग, उत्साहवर्धक वातावरण से सृजनात्मकता का विकास होता है। वस्तुतः सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को सृजनात्मक अथवा असृजनात्मक बनाने में वातावरण महत्वपूर्ण तथा निर्धारक भूमिका अदा करते हैं। अगला है प्रमस्तिष्क कोलार सिद्धांत। इसके अनुसार सृजनात्मकता मानव मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध की अंतःक्रिया का परिणाम होती है। मस्तिष्क में दो गोलार्ध हैं, एक बायां गोलार्ध, एक दायां गोलार्ध। प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम को दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों में अर्थात दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध में विभक्त किया जा सकता है, यद्यपि दोनों गोलार्ध तांत्रिक तंत्रों के एक गुच्छे से जुड़े होते हैं। फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों में इन दोनों गोलार्धों की सक्रियता भिन्न भिन्न होती है। अनुसंधानों में पाया जाता है कि सृजनात्मकता व्यक्तियों में प्रायः दायां गोलार्ध सृजनात्मकता में प्रायः दायां गोलार्ध अधिक सक्रिय होता है, जबकि तार्किक व्यक्तियों में प्रायः बायां गोलार्ध अधिक सक्रिय होता है।
यानी जिसके पास तार्किकता है उसका बायां गोलार्ध ज्यादा सक्रिय होगा और जिसका जिसके पास सृजनात्मकता है उसका बायां गोलार्ध ज्यादा सक्रिय होता है। इसको एक बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध को प्रमस्तिष्क के चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसके अनुसार सृजनात्मकता वास्तव में संवेगात्मक शोधन का साधन तथा परिणाम होती है। फ्रायड के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक का नाम फ्रायड, फ्रायड के अनुसार सृजनात्मकता व्यक्तियों की सृजनात्मकता वस्तुतः उनकी मुख्यतः काम क्रिया संबंधी दमित इच्छाओं की प्रकारांतर अभिव्यक्ति होती है। फ्रायडवादी सृजनात्मक कृतियों को कामुकता ऊर्जा का सामाजिक दृष्टि से वांछनीय तथा व्यक्तित्व को संतुष्टि देने वाला रूपांतरण मानते हैं। फ्रायडवादियों के अनुसार सृजनात्मकता अभिव्यक्ति में अचेतन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आई ए टेलर, एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है आई ए टेलर, द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मकता के स्तर सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता को 5 क्रमिक स्तरों वाले पदानुक्रम के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसको हम चित्र के माध्यम से आइए देखते हैं। टेलर द्वारा संस्तुत सृजनात्मकता के स्तरों का पदानुक्रम चित्र में जो देखेंगे आप, नीचे है अभिव्यक्तात्मक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सप्रेसिव, उसके ऊपर है उत्पादक प्रोडक्टिव, उसके ऊपर है अन्वेषणात्मक इन्वेंटिव, उसके ऊपर है नवचारिक इनोवेटिव, उसके ऊपर है उदयात्मक इमर्जेंटिव। इस प्रकार से 5 इन्होंने क्रमिक स्तर वाले पदानुक्रम प्रस्तुत किया, यानी कोई व्यक्ति इनमें से जिस स्तर तक पहुंच जाता है उसी स्तर का सृजनात्मक व्यक्ति उसे कहा जा सकता है। अव्यक्तात्मक स्तर निसंदेह सृजनात्मकता का सर्वाधिक निम्न स्तर है तथा इस स्तर पर मौलिकता तथा गुणवत्ता पद जोड़ दिए बिना व्यक्ति अपने विचारों की स्व स्फूर्त व्यक्ति करता है। उत्पादक स्तर पर किसी व्यक्ति उत्पादक स्तर पर व्यक्ति किसी नूतन वस्तु को प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। अन्वेषणात्मक स्तर पर व्यक्ति पुरानी वस्तुओं को नए नए ढंग से प्रयोग करने लगता है। नवचारिक स्तर पर व्यक्ति में उच्च स्तरीय अमूर्त प्रत्यक्षणात्मक कौशलों की सहायता से नए विचारों अथवा नए सिद्धांतों को विकसित करने की क्षमता आ जाती है। उदयात्मक सृजनात्मक नामक सृजनात्मकता के 5वें तथा सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति किसी कार्य में निहित समस्त अमूर्त विचारात्मक सिद्धांतों तथा मान्यताओं का उपयोग करके अत्यंत उच्च स्तरीय सृजनात्मक कार्य प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से मैंने आपको सृजनात्मकता के सिद्धांतों के बारे में बताया। अब अगला पॉइंट है सृजनात्मक बालकों की पहचान कैसे करेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता का अध्ययन करके सृजनात्मक बालकों को पहचानने के लिए कुछ विशेषताओं को ज्ञात करने के प्रयास किए हैं। जैसे टोरेंस ने अनेक सृजनात्मक व्यक्तियों के व्यवहारों का विशेष अध्ययन करने के उपरांत सृजनात्मक व्यक्ति की 84 व्यक्तित्व विशेषताओं की एक सूची तैयार की थी। सृजनात्मकता के मापने में सृजनात्मक व्यक्तित्व की परिचायक ये 84 विशेषताएं महत्वपूर्ण व सार्थक भूमिका अदा कर सकते हैं। सृजनात्मकता की ये 84 विशेषताएं निम्न हैं, नोट करें। नंबर 1, यानी सृजनात्मक बालक की पहचान करने के लिए टोरेंस नामक मनोवैज्ञानिक ने 84 सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताओं का अध्ययन करके उनका तत्व पाया है, उसको आप लिखें। यानी सृजनात्मकता के 84 विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, अव्यवस्था को स्वीकारना। नंबर 2,
जोखिम उठाना, नंबर 3 दृढ़ भावात्मकता, नंबर 4 अन्यों के प्रति जागरूकता, नंबर 5 अव्यवस्था की ओर आकर्षण, नंबर 6 कठिन कार्यों को करना, नंबर 7 रचनात्मक आलोचना, नंबर 8 तीव्र व अंतर्विवेकशील परंपराएं, 9 परार्थोन्मुख, 10 सदैव परेशान रहना, 11 रहस्यात्मक खोजों के प्रति आकर्षित होना, 12 झेपू या झगड़ालू, 13 साहसिक, 12 थोड़ा करेक्ट करें, झेपू या लज्जाशील, झगड़ालू नहीं, 13 साहसिक, 14 सौजन्य की परंपराओं को स्पष्ट करना, 15 स्वास्थ्य की परंपराओं को स्पष्ट करना, 16 श्रेष्ठ बनने की इच्छा, 17 दृढ़ निश्चय, 18 विभेदीकृत मूल्य अधिक्रम, 19 असंतुष्ट, 20 व्यवस्था को बिगाड़ने वाला, 21 प्रबल हावी, 22 संवेगात्मक, 23 संवेगात्मक रूप से संवेदनशील, 24 उत्साही, 25 दोष निकालने वाला, 26 लोगों की चिंता नहीं करना, 27 जिज्ञासा से परिपूर्ण होना, 28 प्रायः आत्मसंतुष्ट प्रतीत होना, 29 एकांत प्रिय, 30 अनुभव करना कि सारी व्यवस्था गड़बड़ है, 31 निर्णय में स्वतंत्रता, 32 चिंतन में स्वतंत्रता, 33 व्यक्तिवादी, 34 अंतःप्रज्ञात्मक, 35 परिश्रमी, 36 अंतःमुखी, 27 व्यवहारिक योग्यता में कमी, 38 त्रुटि करना, 39 कभी न उबना, 40 नकारात्मक और पलायनवादी नहीं होना, 41 जनप्रिय न होना, 42 विचित्र आदतें, 43 सतत, 44 अपने विचारों में लीन, 45 जटिल विचारों को पसंद करना, 46 अनैष्ठिक, 47 अनियमित समय पर कार्य करना, 48 प्रश्न करने की योग्यता, 49 आमूल चूल परिवर्तनवादी, 50 वाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना, 51 अन्य व्यक्तियों के विचारों का ग्राही, 52 कभी कभी पलायनवादी, 53 विचारों के दमन का विरोधी, 54 दमन को नकारना, 55 संकल्पी, 56 आत्मसात, 57 आत्मसचेत, 58 आत्मविश्वासी, 59 आत्मनिर्भर, 60 हंसने वाला जिसको हंसेड़ू कहते हैं, 61 सुंदरता के प्रति संवेदनशील, अगला पॉइंट निश्चल, 63 शक्ति को त्यागने वाला, 64 अपने आप को थोपने वाला, 65 स्वचालित, 66 नियत को मानना, 67 छोटी छोटी बातों में अरुचि, 68 परिकल्पनात्मक, 69 असहमत होने को तत्पर, 70 दूरगामी लक्ष्यों का आकांक्षी, 71 हठिया अड़ियल, 72 अस्थायी स्वभाव, 73 दृढ़, 74 वात्सल्य, 75 डरपोक, 76 परिपूर्ण, 77 शक्ति से परे तटस्थ, 78 कुछ असुसंस्कृत या आदिम, 79 अपरिष्कृत, 80 कहने मात्र से किसी बात की स्वीकार्यता का अनिच्छुक, 81 दृष्टा, 82 बहुमुखी, 83 जोखिम उठाने को तैयार, और लास्ट है 84 काफी विरक्त और खामोश। इस प्रकार से
मनोवैज्ञानिक टोरेंस ने सृजनात्मक व्यक्तियों के व्यवहारों का विशद अध्ययन करके सृजनात्मक व्यक्ति की 84 व्यक्तित्व विशेषताओं का एक खाका तैयार किया, एक सूची तैयार किया, वो मैंने आपको यहां बताने की कोशिश की।